गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट इज़ द वीडियो फॉर योर चैप्टर 9 और बायोलॉजी, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. लाइक इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड रेड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक अलील, क्रोमोसोम्स, ट्रेट. ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक दैट इज हेरिडिटी. कि हेरिडिटी एक्चुअली है क्या, वॉट डज इट मीन्स, इट डिफाइंस, उसका मीनिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी हेरिडिटी. हेरिडिटी इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर और पासिंग. ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके, तो हेरिडिटी में लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होता है. ठीक है, पास ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू, दैट इज पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ये किसी को भी हो सकता है, फ्रॉम वन पेरेंट्स टू सेवरल, या फिर अगर सपोज ये ग्रैंडफादर से भी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन तक भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है. तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ओके तो किसी से भी ये एक जगह से, एक वन जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं. अब हेरिडिटी रिप्रेजेंट क्या करता है, तो हेरिडिटी रिप्रेजेंट्स, हेरिडिटी रिप्रेजेंट्स दैट इज पहला तो कंटिन्यूटी एंड दूसरा रिजेंबलेंस मतलब गैप बिटवीन जनरेशन. ठीक है, एक जनरेशन से अगर नहीं गया, लाइक ग्रैंडफादर से, अगर फादर में वो ट्रेट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं गया, तो ग्रैंडफादर से वो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में भी जा सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक. तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं. ना हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, तो सिंपल द क्वालिटीज, लाइक अगर देखेंगे तो हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में क्या क्या होगा, दैट इज द कैरेक्टर या क्वालिटीज दैट पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, जब भी जो कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है, उस सारे कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं. अब हेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है दैट इज समथिंग, समथिंग में क्या क्या हो जाएगा, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज. ठीक है, कोई भी चीज जब पास करता है, पासिंग डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, कोई भी चीज जब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में पास करता है, तो उन्हें हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. लेकिन जब कैरेक्टर पास करता है, तो उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं. ठीक है, हेरिडिटी जो है, एक जनरेशन से दूसरी जगह में जब कैरेक्टर्स, लाइक कैरेक्टर्स जब पास करता है, तो उसे हम हेरिडिटी बोलेंगे. लेकिन कोई कैरेक्टर्स हो गया, क्वालिटी हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, कुछ भी चीज़ अगर पास करता है, तो उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. मीन्स अगर देखा जाए तो हमारा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस is same as heredity. ठीक है, दोनों जो है वो क्या है, same है. Whether it is inheritance, whether it is heredity, दोनों same होता है. तो what all can be inherited, like heredity में तो पता characteristics जाता है, लेकिन inheritance में क्या क्या transfer हो सकता है, तो inheritance में practically everything. तो inheritance जो होता है,
इनहेरिटेंस प्रैक्टिकली होता क्या है कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में सारे चीज़ जाने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली एवरीथिंग कैन बी इनहेरिटेड, ठीक है। कोई भी चीज़, सारे चीज़ पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, आई कलर, स्किन टोन, ईयर शेप, बॉडी शेप, हाइट, हेयर कलर, एलर्जीज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सारी चीज़ इनहेरिटेड हो सकते हैं, एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर सारे चीज़ इनहेरिटेड हो जाए, सारे चीज़ का ट्रांसफ़र हो जाए, तो क्या पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कोई सिमिलैरिटी दिखेगा? पता चला कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। इसीलिए वेरिएशन होना ज़रूरी है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ मींस डिफरेंस नहीं होगा, देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। जैसे ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, डैट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, डैट इज़ डिपार्चर या सेपरेशन From complete similarity, between individual of same species, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन फ्रॉम कम्प्लीट सिमिलैरिटीज। जब भी कोई, जब दो सेम स्पीसीज है, ठीक है, लाइक ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, तो जो सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, दोनों के सिमिलैरिटीज़ के, दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। लाइक आप खुद देख सकते हो, आप अपने पेरेंट्स टाइप दिखते हो बट टोटली वैसे ही नहीं दिखते हो, देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। पेरेंट्स में, आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, भले ही कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे, आई कलर होंगे, स्किन टोन होगा, हेयर डिज़ाइन, हेयर जो कर्ली होता है, स्ट्रेट हेयर होगा, तो ये सब सारा अलग अलग मीन्स अपने पेरेंट्स से मदर या फादर के टाइप दिखते होंगे वैसे ही, ठीक है। लेकिन कम्प्लीटली सारा चीज़ वैसे नहीं दिखता होगा ना। तो पता चला कि अगर बॉय अपने फादर के टाइप दिखने लगा, तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फादर एंड द बॉय, पर्टिकुलर सन। तो इस चलते वेरिएशन होना ज़रूरी है। अब वेरिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? सो जो वेरिएशन है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंसेस। वेरिएशन represents the differences that allow us to distinguish between individuals of same race or between offspring of same parents, okay। variation क्या represent करता है, वो differences, ठीक है, वैसे differences जो हम लोग को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक है, कि दिस इज पेरेंट्स एंड दैट इज अ पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अगर नहीं होगा तो पता चला देयर इज नो डिफरेंस और पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग सब एक ही लग रहे हैं, कि पता चला कि वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस हैं सब एक ही टाइप दिखते हैं, कोई किसी में डिफरेंस वेरिएशन है ही नहीं, ओके। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक पेरेंट लिए, ठीक है, एक पेरेंट्स लिए, अगर मान लीजिए जो मैन है, ठीक है, जो फादर है वो कैसा है, ब्राउन कलर एंड कर्ली हेयर, ठीक है, ये फादर है। और जो मदर है वो कैसी है, वाइट कलर, स्किन टोन वाइट एंड स्ट्रेट हेयर। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है? तो पता चला कि इन दोनों का चार पॉसिबिलिटी बनता है, ओके। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा पेरेंट से, उनका चार पॉसिबिलिटी होगा। पहला क्या होगा, ब्राउन सन स्ट्रेट हेयर, आप देख सकते हो कलर टोन आया फादर का,
हेयर डिज़ाइन आ गया मदर का, डिफरेंस हुआ। सेकंड क्या हो सकता है, वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर एंड कर्ली हेयर, एक आ गया कलर आ गया मदर का और हेयर आ गया फादर का। एक हो गया सपोज डॉटर अगर हुई, ब्राउन डॉटर एंड स्ट्रेट हेयर, ओके। एंड फोर्थ होगा वो क्या होगा, वाइट डॉटर एंड कर्ली हेयर। तो ये फोर डिफरेंट टाइप्स के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। अगर मान लीजिए सेम ही हो जाता ब्राउन सन एंड कर्ली हेयर, तो क्या फादर और सन में डिफरेंस हो पाता? कोई डिफरेंस नहीं हो पाता। इसलिए वेरिएशन होना ज़रूरी है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो देयर विल बी अलॉट प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेरिएशन कैन रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर और अ सिंगल फैक्टर। ये जो वेरिएशन हो रहा है ये एक फैक्टर से भी रिप्रेजेंट हो सकता है या बहुत सारे फैक्टर्स भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वेरिएशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल वेरिएशन और एक होता है एक्सटर्नल वेरिएशन। इंटरनल होता है दैट इज़ डीएनए कॉपीइंग के टाइम हो जाता है, ठीक है, हाइट ये सब जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें हो गया इंटरनल, और एक्सटर्नल में हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट कंडीशन जो होता है वो डीएनए को हमारे चेंज करता है, जिसके चलते क्या होता है वो एक्सटर्नल कंडीशन में आ जाता है। तो हमारा जो वेरिएशन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट इज इंटरनल कंडीशन, इंटरनल कंडीशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। तो इंटरनल में क्या होगा, दैट इज इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी, ठीक है, कुछ इनएक्यूरेट्स नहीं हो पाया, ठीक है, डीएनए कॉपी अच्छे से नहीं हो पाया, जिसके कारण इंटरनल चेंज हो गया। अगर पूरा कॉपी हो जाता देयर वुड हैव बीन नो चेंज। एग्जांपल अगर देखेंगे तो पेरेंट विथ नॉर्मल हाइट माइट हैव अ चाइल्ड विथ टॉल हाइट, ठीक है। तो ये चेंज इनएक्यूरेसी के कारण हो सकता है, डीएनए अच्छे से जब कॉपी नहीं होगा तो ये चेंज वेरिएशन हो सकता है कि जो पेरेंट जिनका नॉर्मल हाइट था लेकिन जो सन आया जो ऑफस्प्रिंग आया उसका टॉल हाइट था। अब ये टॉल हाइट कहाँ से आया, तो ये ग्रैंड पेरेंट से आ सकता है, ठीक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, उनसे ये सारा जो वेरिएशन है जो डीएनए कॉपी है वो हुआ होगा। एक्सटर्नल कंडीशन में क्या हो जाता है, दैट इज एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन कॉजिंग डीएनए चेंज, ठीक है। इन्वायरमेंट के कारण जो डीएनए चेंज हो रहा है, ये तो था कि डीएनए पूरा कॉपी नहीं हो पाया जिसके कारण हुआ, ये इन्वायरमेंट के कारण जो डीएनए चेंज हुआ उसे हम एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ वेरिएशन बोल सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, डैट एक पेरेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, पेरेंट बैक्टीरियम है, इसको हीट में ये नहीं जिंदा रह सकता है, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होगा तो ये नहीं जिंदा रह पाएगा। लेकिन जो इसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ इस बैक्टीरिया का, वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शन कर सकता है उसी हीट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सट्रीम कंडीशन पे वो रह पा रहा है। पेरेंट जो है मदर है या फादर है, उसको उनको कोल्ड से एलर्जी है, ठीक है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है ज़्यादा विंटर सीजन में। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है उसको कोई एलर्जी नहीं है, वो गर्मी में भी अच्छे से रह सकता है, विंटर में भी रह सकता है, हर एक सीजन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के अंदर जो चेंज आया, ठीक है, उससे लड़ने का जो क्षमता आया, मेटाबॉलिक जो फंक्शन उसके अंदर जो स्ट्रांग हुआ इम्यून, तो ये जो आया ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण डीएनए चेंज हुआ, जिसके चलते ये सारा प्रोसेस हो पाया, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है ये कैसे अकर होता है, कैसे हम लोग जानेंगे? तो इसका बहुत सारा फैक्टर्स है,
ठीक है, लाइक अपियरेंस मिसमैच कर गया, एलर्जीज मैच नहीं कर पाए, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होते हैं वो नहीं हो पाता है, हेरिडिटी डिजीज़ होता है, अगर पेरेंट्स से नहीं आया तो ग्रैंड पेरेंट्स से आ जाता है, तो कुछ ना कुछ वह डिटरमाइन करता है कि वेरिएशन अकर हुआ है। तो वेरिएशन को डिटरमाइन कौन कौन करता है? तो वेरिएशन को, वेरिएशन इज डिटरमाइंड बाई, या वेरिएशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएशन को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन? पहला फिजिकल फैक्टर्स, ओके, फिजिकल फैक्टर्स। सेकंड क्या हो जाएगा? दैट इज रिस्पॉन्स टू एलर्जीज। थर्ड, रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिस्पॉन्स टू हेरिडिटरी डिजीजेस, ठीक है, पेरेंट्स को हो सके ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, कुछ एलर्जीज हो जो पेरेंट्स को हो लेकिन ऑफस्प्रिंग को नहीं है, तो ये सब सारा डिटरमाइन जो होता है ये सब सारा वेरिएशन के अंदर आ जाता है। सो दीज आर द फोर्स फैक्टर्स, या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिटरमाइन करते हैं वेरिएशन को। तो क्या वेरिएशन बेनिफिशियल है? क्वेश्चन कैन अराइज, तो यस, वेरिएशन इज बेनिफिशियल, क्योंकि ये जो वेरिएशन है एक पॉजिटिव चेंज लाता है, ठीक है। वेरिएशन क्या करता है? वेरिएशन ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज लाता है उस ऑफस्प्रिंग में। कैसे? सपोज अगर पेरेंट्स को एलर्जीज है, कुछ डिजीज है, लेकिन वो हो सके तो ऑफस्प्रिंग में ना हो, अगर वेरिएशन है तो हो सके वो ऑफस्प्रिंग में ना हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो जिसके कारण वेरिएशन एक पॉजिटिव चेंज उस ऑफस्प्रिंग में लाता है, ठीक है। तो टिल नाउ हियर इट वाज, वी हैव रेड अबाउट हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन। अब आते हैं मेन, दैट इज मेंडल्स, ठीक है। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स के बारे में, कि हु वॉज ही, वाई ही हैज चोजन गार्डन पी, तो ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। सो दैट इज मेंडल, फुल नेम इनका क्या है? दैट इज ग्रिगोर जोहान मेंडल, ठीक है, ये इनका फुल नेम है। ये कौन थे? तो ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मींस एक साधु टाइप, मॉन्क मतलब एक साधु, ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। उसके बाद आफ्टर दैट पेरेंटली पेरेंट कॉल्ड हिम, तो इनको पॉपुलरली नोन एज, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया था, क्योंकि सारा ये जीन का जो एक्सपेरिमेंट है ये यही किए थे। एक्सपेरिमेंट ये क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट दैट ही कैरिड आउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी इन हिज मॉनेस्ट्री गार्डन फॉर 7 years। तो ये 7 साल तक अपने मॉनेस्ट्री में जहाँ वो रहते थे वहाँ के उसके गार्डन में, ठीक है, सारा जो चेंजेस होता है पी में ये सारा चीज़ करके देखे थे, ओके। सो अब आता है दैट इज़ गार्डन पी। गार्डन पी ही क्यों वो लिए थे, या गार्डन पी का नाम क्या है? तो सबसे पहला टर्म आता है गार्डन पी, इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज़, ओके, दैट वॉज पाइसम सैटिवम, ओके, ये नाम था, साइंटिफिक नाम है गार्डन पी का। एंड मेंडल चूज गार्डन पी, क्यों वो गार्डन पी चूज किए? तो मेंडल चूज गार्डन पी
ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. रीजंस क्या कहते हैं? पहला, वेरिएशन या वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स थे. ठीक है, 7 कैरेक्टर्स थे. उसके बाद इट वॉज केपेबल ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था. देन थर्ड वॉज, ये एनुअल प्लांट है, हर साल ग्रो कर सकता है, कभी भी ग्रो किया जा सकता है, इसका कोई सीजन नहीं होता है. फोर्थ, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स. ठीक है, लार्ज प्रोडक्शन हो सकता है इसमें फ्लावर और सीड का. अब ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कौन कौन थे? द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या थे? पहला, हाइट. ठीक है, स्टेम हाइट दो चीज़ था, या तो टॉल या तो ड्वार्फ. सेकंड, फ्लावर कलर, या तो वॉयलेट या तो वाइट. थर्ड, फ्लावर पोजीशन, या तो एक्सियल या तो टर्मिनल. फोर्थ, पॉड शेप, या तो फुल या तो कंस्ट्रिक्टेड. तो पॉड शेप का मतलब क्या हो गया? अंदर में या तो पूरा ऐसे लेयर रहता था, या फिर अंदर में पॉड दिखता था, ऐसे होता था. ठीक है, ये दोनों शेप में होता था. उसके बाद पॉड कलर, या तो ग्रीन या तो येलो. आफ्टर दैट, सीड शेप, या तो राउंड या तो रिंकल्ड. एंड 7th वॉज सीड कलर, या तो येलो आइदर ग्रीन. तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिससे हम लोग को पता चलता है कि मेंडल्स क्यों ग्रीन गार्डन पी को ही लिए थे. ठीक है, ये हर वक्त अवेलेबल था, सिंस इट वॉज एनुअल प्लांट, तो इसका कोई भी सीजन नहीं होता था. ठीक है, देयर वॉज नो सीजन फॉर दिस. कभी भी ये गार्डन में ग्रो कीजिए, ये ऑटोमेटिक ग्रो होकर यूज हो जाता था. उसके बाद अब आते हैं मेंडल्स का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. दैट इज मेंडल्स, अब इसको एक्सपेरिमेंट किए थे. मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. तो ये क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? सो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज पी एक्सपेरिमेंट. इसको बोला जाता है पैरेंटल जेनरेशन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, पहला था पी जेनरेशन, दैट इज पैरेंटल जेनरेशन. इसमें हुआ क्या, अगर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड टू ट्रू ब्रीडिंग. पढ़ चुके हैं ट्रू ब्रीडिंग एंड ये हाइब्रिड ब्रीडिंग क्या होता है. ठीक है, तो टू ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज ऑफ गार्डन पी. ओके, तो ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजाइगस पेयर. ठीक है, होमोजाइगस पेयर का मतलब या तो दोनों टॉल हो या तो दोनों शॉर्ट हो, या ड्वार्फ हो. तो पेरेंट वन कौन था? पेरेंट वन हम ले लिए, एक जीन था जिसके अंदर दो अलील था, जिसमें दोनों था कैपिटल टी टी, मतलब ट्रू टॉल. ठीक है, बोथ अलील डोमिनेंट होते हैं. ठीक है, पता है ये डोमिनेंट होता है टॉल. एंड पेरेंट टू जो लिए,
वो दोनों इस ड्वार्फ ही है, ठीक है, डैट इज ट्रू ड्वार्फ। और ये मेरा था रिसेसिव था, ठीक है। याद रखिएगा, पेरेंटल जेनरेशन में जो क्रॉस ब्रीडिंग किया गया वो ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज था, ठीक है, दैट इज नोन एज होमोजाइगस पेयर। पेरेंट वन में दोनों ट्रू टॉल लिए थे, पेरेंट टू में दोनों ट्रू डॉर्फ लिए थे। एंड उसके बाद ये जो था इसी को बोला गया है, दैट इज बोथ आर कॉल्ड पेरेंटल जेनरेशन, ठीक है, इसी को पेरेंटल जेनरेशन बोला जाता है। अब उसके बाद क्रॉस ब्रीड हुआ, दैट इज फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। सेकेंड नंबर में F1 जेनरेशन जो था दैट इज नोन एज फर्स्ट, पहला में क्या हुआ पेरेंटल जेनरेशन। ओके, तो फर्स्ट मैं पढ़े जो वो क्या था पेरेंटल जेनरेशन था, इसमें जो पढ़ेंगे वो F1 जेनरेशन होगा, दैट इज फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, एक स्क्वायर में पुनेट स्क्वायर बनाया जाएगा, दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया जाएगा और पता चलेगा कि क्या हम लोग को रिजल्ट मिला क्रॉस ब्रीड करके। मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड द पेरेंटल जेनरेशन। अब ये जो दो पेरेंटल जेनरेशन था, पेरेंट वन और पेरेंट टू, अब उनको क्रॉस पॉलिनेट किया गया, ये फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में हुआ, ठीक है, दैट वॉज ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज। याद रखिएगा, पेरेंटल जेनरेशन में हम लोग क्या किए थे, हम लोग को किस दो ब्रीड को हम लोग ये स्पीसीज को हम लोग ब्रीडिंग करवाए थे, दैट वॉज ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज, या तो टॉल या तो दोनों ड्वार्फ, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या देता है, रिजल्ट्स इन या रिजल्टिंग इन F1 जेनरेशन, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। अब इसमें लेंगे पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, तो पेरेंट वन जो हमारा था वो दोनों टॉल था एंड पेरेंट टू जो था वो दोनों ड्वार्फ था। अब पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ये स्क्वायर हो गया, ये पेरेंट वन है P1 दैट इज टॉल, दोनों टॉल, और ये हो गया P2 दैट इज दोनों ड्वार्फ। अब जब ये इससे पॉलिनेट करेगा तो सिंस पता है कि ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, तो यहाँ पर TT दोनों का अलील तो आएगा, बट यहाँ पर जो प्लांट होगा ये टॉल होगा। इन दोनों को करेंगे तो फिर सेम TT यहाँ पर भी टॉल हो जाएगा, क्योंकि जो टू टॉल है वो डोमिनेंट है, ठीक है, ट्रॉल डोमिनेंट है और जो डार्फ है वो रिसेसिव है। इन दोनों में सेम चीज़ होगा टॉल, और इन दोनों में भी सेम चीज़ होगा टॉल। तो रिजल्ट क्या आया, इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे बोलेंगे पुनेट स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों यूज़ करते हैं, टू शो ब्रीडिंग, पुनेट स्क्वायर का हम लोग यूज़ करते हैं टू शो ब्रीडिंग। रिजल्ट क्या आया, दैट ऑल प्लांट्स हैव सेम हाइट, ठीक है, देखिए इसमें भी टॉल, इसमें भी टॉल, इसमें भी टॉल, इसमें भी टॉल, दैट इज TT, सब प्लांट का सेम हाइट आया। एंड दूसरा, ऑल प्लांट्स शो सेम जीन्स, दोनों का जीन्स भी सेम था, ठीक है, दैट वॉज TT, अलील भी सेम, हाइट भी सेम एंड जीन्स भी सेम, सब चीज सेम था। अब आता है हमारा सेकेंड फिलियल जेनरेशन, दैट इज F2 जेनरेशन, F2 जेनरेशन दैट इज सेकेंड फिलियल जेनरेशन। अब सेकेंड फिलियल जेनरेशन में क्या हुआ, मेंडल लेफ्ट द प्लांट ऑफ F1 जेनरेशन, ठीक है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेटेड ब्रीड ऑफ प्योर ब्रीडिंग स्पीसीज।
मीन्स हुआ क्या कि सेकेंड फिलियल जेनरेशन में ये जो आया प्लांट ग्रो किया उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। मेंडल्स क्या किए, उसको छोड़ दिए कि ऑटोमेटिक ये ग्रो हो, बढ़े, ग्रो करे, और ग्रो करने के बाद ये सेल्फ पॉलिनेट हो जाए, ठीक है, बिकॉज दे वर हैविंग फैक्टर्स दैट दे कैन सेल्फ पॉलिनेट, ठीक है। तो सेकेंड फिलियल जेनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, जिसमें रिजल्ट क्या आया, तो द रिजल्ट ऑफ F2 जेनरेशन, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ अगर बोल सकते हैं सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F2 दैट इज सेकेंड फिलियल जेनरेशन, द रिजल्ट ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ, अच्छा सेल्फ ब्रीडिंग किसका किया गया था, तो सेल्फ ब्रीडिंग किया गया था F1 जेनरेशन का, दैट वॉज फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, प्लांट्स गिव अस सेकेंड फिलियल जेनरेशन। मीन्स ये जो F2 जेनरेशन था, इसका रिजल्ट क्या आया कि जब फर्स्ट फिलियल जेनरेशन को, F1 जेनरेशन को हम सेल्फ ब्रीड के लिए, सेल्फ पॉलिनेट के लिए जब छोड़े, तो वो पॉलिनेट होकर हमको सेकेंड फिलियल जेनरेशन दिया, ठीक है। तो सेकेंड फिलियल जेनरेशन कैसे दिया, तो इसका भी सेम चीज़ हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेट किया, सेम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, पेरेंट वन TT था, इसमें तो ये आ गया, इसमें तो दोनों ट्रू ट्रू नहीं था, इसमें TT था, ठीक है। पेरेंट वन अगर देखेंगे तो कौन था, TT, एंड पेरेंट टू भी देखेंगे तो सेम, और पेरेंट टू भी क्या था, TT था। टॉल टॉल तो टॉल हो जाएगा, ड्वार्फ टॉल, टॉल रिसेसिव है, अलील चेंज करेगा बट जो जीन होगा वो टॉल वाला होगा। टॉल शॉर्ट अगेन, ये भी टॉल होगा। ड्वार्फ ड्वार्फ मिलकर दोनों अब ट्रू ड्वार्फ बना जाएगा, तो ये ड्वार्फ हो जाएगा। अब पेरेंट वन हाइब्रिड टॉल था, ठीक है, ये ट्रू टॉल तो है नहीं, ये हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल, ये भी हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड टॉल आया, इससे हम बोलेंगे हेट्रो हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। जब ट्रू टॉल था तो उन्हें क्या बोले थे, उन्हें बोले थे होमोजाइगस पेयर, और जब हाइब्रिड टॉल आया तो इसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस पेयर। अब जो रिजल्ट आया F2 जेनरेशन का, वो क्या आया, तो रिजल्ट आया जिसमें ये पता चला कि अगर इसको पूरा हम लोग 100% मानेंगे, तो इसमें देख सकते हो चार चीज आया, टॉल टॉल टॉल, ये भी टॉल, ये भी मीन्स ये ट्रू टॉल, ये हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड टॉल, और ये ट्रू ड्वार्फ। तो इसमें रिजल्ट क्या, अगर हम रेशियो निकाले, परसेंटेज निकाले, तो क्या आया कि 25% जो था मेरा वो आया प्योर टॉल या ट्रू टॉल, 50% जो था वो आया मेरा हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, एंड 25% जो आया ये मेरा आया प्योर ड्वार्फ, ठीक है। मींस ये आया TT, ये आया small t, और ये आ गया this। तो 25% ट्रू टॉल, 50% हाइब्रिड टॉल, एंड 25% ट्रू ड्वार्फ भी आप देख सकते हो। तो एक आया, अगर पूरे को 100 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 × 100% निकालिए, 25% 2/4 × 100 50% एंड 1/4 × 100 दैट इज अगेन 25%। तो इसमें दैट इज जो रेशियो हमारा आया, ठीक है, जो रेशियो आया रिजल्ट ऑफ F2 तो पता चल गया। तो रेशियो जो आया दैट अकॉर्डिंग टू जेनेटिक अपियरेंस, जो ट्रू टॉल था वो आया मेरा 25%, हाइब्रिड टॉल 50%, एंड ट्रू ड्वार्फ वो आया 25%। तो इसका जब रेशियो निकाले तो आया 25:50:25, दैट इज कट कर आ गया 1:1।
ठीक है। और ये जो जेनेटिक अपीयरेंस था, इसी को हम लोग बोले जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो, ये सब क्या होता है। तो इसमें हमारा आया रेशियो आया 1:2:1। तो जब भी पूछा जाए कि F2 जेनरेशन का जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो क्या है, दैट इज 1:2:1। अब कुछ टर्म्स आते हैं, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब वो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, दैट पहला आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल या ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑब्जर्व जिसको हम लोग कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके, जो हम लोग को दिखे। लाइक एग्जांपल में क्या हो जाएगा, टीटी ट्रू टॉल, ठीक है, ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ट्रू टॉल प्लांट। देन ये आ गया हमारा मिक्स हाइब्रिड टॉल प्लांट, ये ट्रू टॉल तो है नहीं, ये हाइब्रिड टॉल है। तो बोथ प्लांट्स वो सेम फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, दोनों का देखिए दोनों टॉल दिखा रहा है, दैट इज सेम फिनोटाइप। जब फिजिकल अपीयरेंस सेम रहे तो उसे हम फिनोटाइप बोलेंगे। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जो अभी हम लोग देखे जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइप हो जाएगा दैट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जीन का अंदर जो अलील होता है, जो जीन जिस चीज से बना होता है, उस कंस्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइपिक। जो हम लोग को बाहर से दिखे जो ऑब्जर्वेबल हो वो हो गया फिनोटाइप, और जो जीन जो अंदर हो, इंटरनली प्रेजेंट हो जीन के अंदर हो, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलेंगे जीनोटाइपिक। एग्जाम्पल ट्रू टॉल, हाइब्रिड टॉल, ट्रू डॉल, ठीक है, ये जो तीनों हैं, ऑल थ्री आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सारे देख सकते हो, ये ट्रू है, ये ट्रू, ये हाइब्रिड, ठीक है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन ये ट्रू ड्वार्फ है। तो तीनों का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है सारा डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो ये दो है, ठीक है, इन दोनों का, दैट इज ट्रू टॉल एंड हाइब्रिड टॉल, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सेम है, फिजिकल अपीयरेंस सेम है, बट मींस बोल सकते हैं जिनों का फेनोटाइप सेम है, बट जेनोटाइप जो है या जेनेटिक, बट जेनेटिक जो है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो फिनोटाइप ये दो है, लेकिन तीनों जेनेटिक जेनोटाइप है। तो ऑफ अ क्रॉस पॉलिनेटिंग जेनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो कैन डिफर, ठीक है। जब अगर मान लीजिए हम फिनोटाइप और जेनोटाइप दोनों को अगर क्रॉस पॉलिनेट करें तो मेरा क्या होगा, तो हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में F2 जेनरेशन में, ठीक है, F2 जेनरेशन में क्या था, जब हाइब्रिड, दोनों हाइब्रिड टॉल को जो हमारा F1 जेनरेशन था, ठीक है, उससे जब हम मिक्स करवाए थे तो हमें क्या मिला था, 4 डिफरेंट जीन मिले थे, ठीक है। अब फिनोटाइप सेम था लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट था, इट वॉज ट्रू टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड ट्रू ड्वार्फ, ठीक है। इसका अगर हम निकाले तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा ये 25%, ये 50%, ये 25%, दैट इज़ 1:2:1। लेकिन अगर यही फिनोटाइपिक रेशियो निकाले तो क्या आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो में आ जाएगा 3:1, क्योंकि फिनोटाइप में ये तीनों तो टॉल आ गया और ये सिर्फ ड्वार्फ आ गया, तो ये हो गया 75 और ये हो गया मेरा 25। ओके ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, दैट इज़ होमोजाइगस जीन। होमोजाइगस
जीन। होमोजाइगस जीन किसको बोलेंगे? होमोजाइगस जीन उस जीन को बोलेंगे व्हेन टू अलील ऑफ द जीन इज सिमिलर, जब दोनों अलील जो है बोथ अलील्स आर सिमिलर, तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस, या फिर इसको एक और नाम से बोल सकते हैं ट्रू या प्योर स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि ट्रू या प्योर स्पीसीज में से ही तो दोनों अलील सेम होते हैं। लाइक एग्जांपल, दोनों ट्रू टॉल हो सकते हैं या प्योर टॉल हो सकते हैं, या दोनों ट्रू ड्वार्फ हो सकते हैं। तो जब भी ट्रू हो तो वो होमोजाइगस हो जाएगा, लेकिन जब भी वो हाइब्रिड हो तो उसे क्या बोलेंगे? जब भी वो डिफरेंट हो, हाइब्रिड हो, तो उसे हम बोलते हैं हेटरोजाइगस। तो जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज हेटरोजाइगस, जो हम F1 फिलियल जनरेशन में पढ़े थे। ओके, सो F1 में हम लोग क्या पढ़े थे? पेरेंटल में पढ़े थे होमोजाइगस, एंड F1 में पढ़े थे हम लोग दैट वॉज दिस हेटरोजाइगस। ठीक है, पेरेंटल में हम लोग पढ़े थे होमोजाइगस, F1 को जब पॉलिनेट किया, ओके, तो F2 जो F1 जनरेशन सेल पॉलिनेट किया, तो F2 जनरेशन जो है वो आया था हमारा हेटरोजाइगस जीन। तो हेटरोजाइगस जीन क्या होता है? ठीक है, होमोजाइगस जीन क्या हो गया? वैसा जीन जिसमें सेम अलील हो। तो हेटरोजाइगस क्या होगा? व्हेन टू अलील्स आर डिसिमिलर, ठीक है, या फिर डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेटरोजाइगस। इसको या तो मिक्स्ड या हाइब्रिड भी बोला जाता है, हाइब्रिड स्पीसीज बोला जाता है। एग्जांपल, हाइब्रिड टॉल TT, इसे बोला जाएगा हाइब्रिड टॉल। ओके, अब आता है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। तो मेंडेल क्या किया? क्रॉस व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ दिस मींस जो हेटरोजाइगस जीन था उसका एक पेयर कैरेक्टर दिया, ठीक है, कंसिडरेशन में। तो सेल्फ पॉलिनेटेड ऑफ हेटरोजाइगस, मतलब दोनों को सेल्फ पॉलिनेट किया, होमोजाइगस हेटरोजाइगस जीन को जो सेल्फ पॉलिनेट किया, तो इसमें आया ये ट्रू टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड ट्रू टॉल, तो इसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब दोनों सेम हो। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेट जब किया गया, तो जब दोनों जीन सेम है, हाइब्रिड है, लेकिन अलील जो है वो डिसिमिलर है, ठीक है, वो डिसिमिलर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो उसे हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। और डाई हाइब्रिड क्या होगा? डाई हाइब्रिड में होगा जब दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का लेंगे। मीन्स डाई हाइब्रिड में होगा क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस में होगा क्या? एक तो हम ले रहे हैं हाइट और दूसरा ले रहे हैं कलर, ठीक है, या फिर एक ले रहे हैं सीड शेप और दूसरा ले रहे हैं सीड कलर। तो जब भी दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जब पॉलिनेट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? दैट इज डाई हाइब्रिड। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ? दो अलग अलग वेराइटी के कैरेक्टर्स के सीड्स को लिया गया, ठीक है, जिसमें एक लिया गया सीड शेप और दूसरा लिया गया सीड कलर। तो जब सीड शेप लिया गया, तो सीड शेप में या तो राउंड था तो ये डोमिनेंट था, तो कैपिटल R, एंड दूसरा रिंकल्ड था तो ये रिसेसिव था, तो स्मॉल R से डिनोट किया गया। उसके बाद लिया गया सीड कलर, दैट वॉज येलो, जो कैपिटल Y से ये डोमिनेंट रहा, एंड दूसरा था ग्रीन, जो स्मॉल Y से डिनोट किया गया। ओके, अब इन दोनों को क्या किया गया? सारे को, दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया गया, ये आ गया लील। अब दोनों को जब क्रॉस पॉलिनेट किया गया, तो इसका जो पुनेट स्क्वायर हुआ वो चार चार का बना। लाइक इसका जो पुनेट स्क्वायर देखेंगे तो एक दो, और एक और ले लेंगे,
हो गया, वन टू थ्री के बाद अगर एक और ले लेंगे ये फोर हो गया। ओके ये चार चार का बन गया। अब यहाँ पे पेरेंट वन जो था, पहले ये लोग को क्या किया गया, पेरेंट वन आर आर वाई वाई, ठीक है आर आर वाई वाई, और पेरेंट टू भी था ये, तो इनको क्रॉस पॉलिनेट किया गया। दैट वाज लाइक, तो ये पुनेट स्क्वायर से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, लिया गया आर आर वाई वाई और एक और आर आर वाई वाई, इन दोनों को जब क्रॉस पॉलिनेट किया गया तो मेरे पास चार ऑफस्प्रिंग आए। अब वो चार ऑफस्प्रिंग कौन कौन आए, दैट वाज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार मेरे पास पर्टिकुलर अलील्स आए, ठीक है ये ऑफस्प्रिंग आए। अब इनको रखा गया, इन चारों को यहाँ पेरेंट वन और पेरेंट टू में रखा गया, दैट वाज आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी यहाँ पर एक क्या हो गया, ये कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई होना चाहिए था, फिर तो दोनों वो रिंकल हो जाता ना, इसलिए स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पेरेंट वन आए। पेरेंट टू भी सेम लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब हुआ तब ये कैसा हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, मतलब ये राउंड भी हुए और साथ में येलो भी दिए, क्योंकि येलो और राउंड जो था वो डोमिनेंट था इसमें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो राउंड। एंड दूसरा ये क्या हो गया, येलो हुआ, क्योंकि ये तो स्मॉल है लेकिन ये कैपिटल वाई था, ये येलो था, ये ग्रीन कलर था। उसके बाद दूसरा में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये फिर राउंड आया एंड साथ में येलो आया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कैपिटल वाई इसका स्मॉल, तो ये राउंड और साथ में येलो। फिर ये दोनों जब हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो राउंड एंड येलो, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई तो राउंड और अब ग्रीन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा सेकेंड एलील है ये दोनों ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन मिलके ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल है तो राउंड हो जाएगा, कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा। देन आफ्टर दैट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो गया राउंड और साथ में ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दैट इज द राउंड एंड येलो। ये फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई, तो ये हो गया राउंड एंड अगेन येलो, देन दोनों स्मॉल आर। सो नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये तो आ जाएगा रिंकल्ड एंड साथ में आएगा येलो। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ जाएगा रिंकल्ड एंड साथ में येलो, ठीक है बिकॉज डोमिनेटिंग है। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज़ अ राउंड एंड येलो। फिर ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये आ जाएगा राउंड और साथ में ग्रीन। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिंकल्ड और साथ में आ जाएगा येलो। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई दैट इज रिंकल्ड और साथ में आ जाएगा ग्रीन। तो ये पूरा जो आया यहाँ पर हमको ये इन्फॉर्मेशन क्रॉस पॉलिनेट से पता चला। उसके बाद अब क्या हुआ, जब ये क्रॉस पॉलिनेट हुआ, ठीक है, तो इस क्रॉस पॉलिनेशन से हमको क्या पता चला, तो इस क्रॉस पॉलिनेशन से हमको ये पता चला कि जो हमारा राउंड था, जो हमारा राउंड और येलो था,
वो कितना आया? तो आप देख सकते हो राउंड और येलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो राउंड येलो टोटल 9 आया, जिसका अलील कैसा था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई प्लस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जितने भी टाइप के ये जो थे जीन वो सारे राउंड येलो आए। उसके बाद राउंड ग्रीन कितने आए, तो राउंड ग्रीन आए मेरे पास 3। इसमें कैसे कैसे वेराइटी थे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई प्लस कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद रिंकल्ड येलो कितने आए, रिंकल्ड येलो ये भी आए 3, दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई प्लस स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आए 3। उसके बाद आया रिंकल्ड ग्रीन कितने आए, स्मॉल आर कैप स्मॉल वाई स्मॉल वाई, दैट वाज 1, ठीक है। तो इसका जब फिनोटाइपिक रेशियो निकाले, फिनोटाइपिक रेशियो, अब तो हमको पता है जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो जीनोटाइपिक रेशियो में कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जो सेम होता है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो जब निकाले तो हमारे पास क्या आया, इसका फिनोटाइपिक रेशियो में डोमिनेंट सेम था, डेट वॉज 9:3:3:1, ठीक है। ये मेरा आया फिनोटाइपिक रेशियो, ओके। तो फिनोटाइपिक रेशियो आ गया मेरा 9:1, क्योंकि राउंड येलो देन ये देन ये देन ये। अगर इसका जीनोटाइप निकाला जाए तो इट कैन बी डिफरेंट, बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये पहला अलील, ये अलग अलील आ गया, ये अलग आ गया। तो फिनोटाइपिक रेशियो में ये जीन देखते हैं, अलील देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं। तो राउंड येलो में ये आया, राउंड ग्रीन 3 आया, रिंकल्ड येलो 3 आया एंड रिंकल्ड ग्रीन 1 आया, तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1 आया, ओके। सो यहाँ पर आपका मेंडल्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एडॉप्शन क्या होता है, ओके। तो ये सारा हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड फाइनली फिर सेक्स डिटरमिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।